हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे, इसमें जानने की कोशिश करेंगे आज मॉर्निंग में क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए आज के दिन, और चांसेस क्या है आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। टाइम बेस्ड रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है। तो क्या है आपके पार्टनर के माइंड में, सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। सुबह सुबह क्रिएटिविटी, ओके। आप अपने वर्क पर या खुद पर फोकस्ड हो सकते हो, आप शाइन कर रहे हो, आप जो भी, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। आप खुद के लिए आप इस लाइफ में काफ़ी बेहतर कर रहे हो, आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। आपने कोई ऐसा मुकाम हासिल किया है या ऐसे पोजीशन में हो, ऐसे पोस्ट में हो, ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, हो रही है, आप जहाँ पर भी हो शाइन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी से या आपके चार्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हो आज अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, ये व्यक्ति बहुत 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 ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं आपकी ओर, ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपके, आप खुश हो, हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से बिल्कुल। अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप में वो दिखता है लोगों को कि आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, आप नॉर्मल हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये व्यक्ति देख पा रहे हैं, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं। आपने खुद को निगेटिविटी से या बंधन से खुद को दूर रखा है, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि करेंटली अब इसको मुझे पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पीड़ दिखाया या दूर हो गए, आज आप दोनों का सिचुएशन कुछ अलग है, तो इसको ज़रूर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। आपको महसूस करना चाहते हैं, आपका साथ चाहिए इस व्यक्ति को, ये टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ये वापस से कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये व्यक्ति बिल्कुल आपके क्लोज आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पहले की तरह चीज़ें हो जाए, या आप इन पर ट्रस्ट कर लो, आप पहले की तरह हो जाओ, जो पहले आप इनको प्रोवाइड करते थे। अगर आप आज अपने वो सब देना बंद कर दिया है, तो चाहते हैं कि वापस से वो चीज़ आपसे इनको मिले, लव, केयर, एफर्ट, ठीक है, सपोर्ट। तो ये मुझे आपके पार्टनर का सोच दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में आपके बारे में? गोइंग विद द फ्लो, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ओवरथिंक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बिल्कुल भी मूड सही नहीं है, इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, काफ़ी नीड है इस व्यक्ति को हीलिंग की। तो ये मुझे भड़के हुए, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी है इनको खुद से, आपसे, दुनिया से, लोगों से, जिनके, जो भी इनके आसपास हैं, जिनके आसपास ये हैं, ठीक है। तो मुझे इनका जो सिचुएशन है या कंडीशन है, इनका राइट नहीं दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा बात बोल दिया था आपको जिससे आपको हर्ट हुआ। अगर आज आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, ये व्यक्ति बौखलाए हुए से हैं, जो भी इनके आसपास लोग हैं काफ़ी चिड़चिड़े हो रहे हैं उनसे, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा है। और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में?
और क्या है उनके मन में। ओके, दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं एक और, जब ये अकेले में हो रहे हैं, रियलाइज इनको हो रहा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, उसका जो आत्मा होता है वो बिल्कुल उसको बता देता है, वो फील कर लेता है दिल से, वो महसूस कर लेता है कि उसने गलत किया था कहीं पर, चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, जो भी हो, या कई लोगों के नज़र में वो गलत ना हो, जैसे कि इनका आपसे दूर होना, इनका आपसे कम्युनिकेट ना करना, खुद को दूर करना, या किसी और को चूज़ कर लेना, आपको छोड़ देना, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो ना निभा पाना, या ऑनेस्ट नहीं रह पाना फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, जो इनको करना चाहिए था एक्चुअल में वो ना कर पाना, तो ये सब का ना फर्क इनको पड़ रहा है। ये काफ़ी दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अकेले में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को भरोसा भी नहीं होगा कि ये अकेले में इनका ये हालत होता है, पर रियलिटी यही है, दुखी है, आपके पार्टनर सैड हैं। चलिए और देख लेते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आज आपका सिचुएशन ये है ना, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि वो भी थोड़े से बौखलाए हुए हैं, उनका भी एनर्जी बहुत ज़्यादा राइट नहीं है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप नहीं हिल हुए हो तो खुद को हील कीजिए, खुद को, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखिए, पेशेंस रखिए, और लेट गो कीजिए उस सिचुएशन को जो आपको हर्ट पहुंचा रहा है, आपको दर्द दे रहा है। सही लोगों की संगत में आइए। चलिए और देख लेते हैं आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में। कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इनके माइंड में एक वक्त पर बहुत कुछ चल रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस है, उसका आंसर खुद में ही तलाश रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की ओर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है करेंटली, ठीक है, इनको बिल्कुल फ़र्क पता है कि सही क्या गलत क्या, और क्या इनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। इनमें करेंटली मैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से खुद को, अपने माइंड को, अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट करना है इनको काफ़ी अच्छे से पता है। इन्होंने ऐसे लोगों को हैंडल करना, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में। रिबर्थ, रिबर्थ करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, टावर मोमेंट आया था आपके रिलेशनशिप में। कई लोगों के लिए रीज़न कैरियर हो सकता है कि मुझे खुद पर फोकस करना है, अपने कैरियर पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ की ओर फोकस करना है, तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो अगर ऐसा था तो अब ये व्यक्ति खुद को ग्रोथ की ओर ले जाकर, खुद की ग्रोथ करके ये वापस से आपसे यूनियन करेंगे, ठीक है। और कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका ऐसा था कि फैमिली, सोसाइटी वगैरह वगैरह, ठीक है, अगर इस वजह से इन्होंने टावर मोमेंट लाया तो एक राइट पार्टनर को इन्होंने खोया है। आज इनके लाइफ में इनको काफ़ी अंधेरा महसूस कर रहे हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है इनके साथ। और अगर देखो कि आपके बारे में क्या है इनका सोच, तो रिबर्थ चाहते हैं ये। अगर ये आपके पास्ट पार्टनर हैं जिनको कभी आपने बहुत लव किया था, इनके लिए हर कुछ किया था, इनका साथ पाने के लिए, पर ये व्यक्ति
इन्होंने वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था एज अ पार्टनर, एज अ लवर, या हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड। तो आज ये व्यक्ति देख पा रहे हैं कि आप क्या से क्या बन गए हो। पहले शायद आप ऐसे शो होते थे, दिखते थे कि आप कमज़ोर हो, या प्यार ने, जिनसे आपने प्यार किया, जिन पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, जिनका साथ आपने पाना चाहा, उन्होंने बिल्कुल आपको कमज़ोर बना दिया था उस रॉन्ग पर्सन ने। क्योंकि अगर राइट होते तो वो व्यक्ति आपको मजबूत करते, मजबूती देते और सेल्फ ग्रोथ की ओर आपको ले जाते हैं, ठीक है। आपका सेल्फ ग्रोथ होती, आपकी ग्रोथ होती अगर राइट पार्टनर आपके साथ होते। तो ये व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं वो रॉन्ग पर्सन, कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है, पॉजिटिव चेंजेस आप में, आपने खुद को एक अलग इंसान बनाया है, आपकी लाइफ की रिबर्थ हुई है, ऐसा शो हो रहे हो आप, तो ऐसा फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर इनसे आप कामना सामना होती है या फ्रेंड्स वगैरह से, ये खुद को ऐसे शो करते हैं कि ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये निगेटिव पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने आपको हर्ट करा, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है या चीट मिला है, जिन्होंने कुछ और शो किया पर कुछ और निकले, जो भी उनकी बातें थी सब कुछ झूठा था, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति खुद को आज भी सही दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, खुद को ऐसे शो करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं कि इनोसेंट हैं, राइट हैं, पर ये चेंज नहीं हुए हैं, बदले नहीं हैं, वही कपट, वही फरेब, वही चीटर इनमें है, ठीक है। इनमें ना मैं हीन भावना भी देख पा रही हूँ, ठीक है। अपना कंपेयर और से करना, मुझे इनकी एनर्जी, मुझे ना इनसे काफ़ी निगेटिव एनर्जी मिल रही है। और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपको लेकर क्या है उनका सोच? ओके, एक्सेप्टेंस आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सेप्टेंस आई इस व्यक्ति को, कई लोगों के लिए, आपके ट्रू पार्टनर को, आपके ट्रू लवर को, जो रो रहे हैं आपके लिए, जो दिल से जुड़े हैं आपसे, वो व्यक्ति हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ आ जाओ, ये आपके लिए काफ़ी रोए हैं, आज भी तड़पते हैं, तो चलो साथ आते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, आज के दिन वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। यहाँ पर अभी तक साइंस आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, टॉरस है, वर्गो है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या हो सकता है आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आज के दिन? ओके, अगर आपके पार्टनर कमिटेड हैं, आप कमिटेड हो, दोनों सीरियस हो, दोनों फेयर हो एक दूसरे के साथ, इस फ्रेंडशिप में, इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, ट्रू वाला लव है, आपके पार्टनर आपको किसी तरह का जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ किसी तरह का जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अभी आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुतों को नहीं पता, ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ऑफिशियल कर सकते हैं कि आप दोनों साथ में हो और इन फ्यूचर होने जा रहे हो, ठीक है। परमानेंट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, और या तो बैलेंस करेंगे, अपने साइड से एफर्ट्स करेंगे, एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, काफ़ी पैशनेट हैं ये आपको लेकर, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके पार्टनर जो भी हो, इनको अगर आपको कुछ देना है या आपसे इनको चाहिए ये सब, तो बिल्कुल क्लियरली आपको बता देंगे। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए? वाह,
मीटिंग दिखाई दिया है, यूनियन या तो रीयूनियन, प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना लव शो कर रहे हैं, प्रपोजल आपको मिल सकता है उनसे जिनको आप लव करते हो और जो आपसे लव करते हैं। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए? अगर आप दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, अनक्लैरिटी है, कोई रेडी है कोई नहीं है, ऐसा है बर्डन बन गया है ये सिचुएशन, आपको लग रहा है कि इसको ढोना बहुत मुश्किल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फाइट हो रहा है कंटिन्यूसली, इंतज़ार कर रहे हो, आप उदास हो, मायूस हो, या आप दोनों में से कोई एक उदास है, परेशान है, स्ट्रेस ले रहा है और दूसरे वाले पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी एक के रोने धोने से, परेशान होने से, कोई एक बिल्कुल ठीक है और कोई एक परेशान है इस रिलेशनशिप में, किसी एक का एफर्ट है किसी एक का है ही नहीं है, वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपके लवर ही नहीं है, ये उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं या आपके साइड से कुछ ऐसा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आप दोनों के बीच और यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, अगर ये आपका खुद का सिचुएशन है जहाँ पर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो इस सिचुएशन से बाहर आइए, खुद को स्ट्रेस फ्री कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद पर अपने लाइफ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए? ओके, अगेन कहूँगी लवर्स का यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको लगे कि ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं ये, पर उनके उस बिहेवियर में, एक्शंस में आपको खुद के लिए ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव, उनका इनोसेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा, उनकी मासूमियत या आपकी मासूमियत पर वो फिदा हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? ओके, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलने की बातें कर रहे हैं, फ्रेंडशिप की बातें कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं कि चलो मीटिंग करते हैं, चलो मिलते हैं, हो सकता है कि कुछ स्पेशल डे आ रहा है। और क्या एक्शन ले सकते हैं आप के लिए? अपना लव शो कर सकते हैं कई लोगों के लिए कि ये आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे या जो आप चाहते हो आपको देंगे अगर ये आपसे लव करते हैं तो, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, ये अपना टाइम ले सकते हैं क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। क्या कुछ चांसेस है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का? क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच, क्या चांसेस है होने का? ओके, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल आपको रहना होगा आपके रिश्ते को लेकर, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, वेरी केयरफुल रहना है आपको। और क्या मैसेज आ रहा है, क्या चांसेस है होने का? ओके, जैसे कि मैंने कहा, बहुतों के लिए बर्डन अगर था कोई और आपके रिलेशनशिप पर बर्डन को बना, अगर कोई और थर्ड पर्सन, चाहे आपके पार्टनर के साइड से चाहे आपके साइड से, वो थर्ड व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को बर्डन बना रहा था, उनके वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे वो आपसे दूर रह रहे थे, आप उनसे दूर रह रहे थे, या आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस बनी हुई थी, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर खुद के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जबकि वो आपसे लव करते हैं, ट्रूली डीपली सिर्फ आपसे लव करते हैं, अगर ये इनोसेंट लव है, प्योर ट्रू लव है,
तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा कर वो कर रहे हैं जो अब तक उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है? ओके, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोटेक्शन मिल सकते हैं आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों ही मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके रिलेशनशिप को, दोनों ही फील कर रहे हो कि ये जो लव है, ड्रीमी लव है, ये जो लव है, इनके साथ पास्ट लाइफ्स कनेक्शन है, इनको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये हमें जानते हैं, ऐसा लगता है कि इनके साथ एक अलग ही कनेक्शन है, इनके साथ एक अलग ही इमोशंस फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो, इनके ही सपने देखना, सपनों में इनका आना, फाइट कितना भी हो जाए इनको भूल ना पाना, भूलने की कोशिश करना, शायद साइलेंट सिचुएशन है आप दोनों के बीच, फियर है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, या क्लैरिटी नहीं है, फिर भी इन्हीं को स्टॉक करना, इन्हीं को देखना। आप इनको ड्रीम में देख रहे हो या तो ये आपको, या जल्दी आप दोनों देखोगे। और क्या चांसेस है होने का? ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। आप दोनों फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम था उसको सुलझा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपने काफ़ी पेशेंस रखा, काफ़ी इंतज़ार किया, आपको आपका इंतज़ार का फल मिलने वाला है, ठीक है, उनका आने का, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे आप, आपको आपके इंतज़ार का फल मिलने वाला है। और क्या कुछ चांसेस है आज के दिन होने का? ओके, कोई सक्सेस आपको मिल सकता है आपके रिलेशनशिप को, या तो जैसे कि मैंने कहा, कोई चीज़ अगर उनको आपके पास आने से रोक रही थी, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से रोक रही थी, तो ये चीज़ ना आपके पार्टनर सॉल्व करेंगे कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं सकते, मुझे आगे बढ़ना है, इसके साथ तो बढ़ना है, मुझे इसके साथ यूनियन करना है, मुझे इसके साथ जीना है तो बस जीना है, मुझे इसके साथ कंटिन्यू करना है, रिलेशनशिप करना है तो बस करना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमारे बीच कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे, ठीक है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। अगर ये आपके पास्ट हैं तो आपके पास्ट आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अगर आप आपके पास्ट को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो, काफ़ी हर्ट हो, अभी भी दर्द में हो पास्ट को लेकर, जबकि सामने वाले पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता या उनके माइंड में क्या है आपको कुछ नहीं पता, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप मूव ऑन कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आप खुद को हील करोगे, खुद पर फोकस करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या इन फ्यूचर मिलेगी तो उसको ग्रैब कैसे, ठीक है, कम्प्लीशन आप फील करोगे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप कम्प्लीशन फील करोगे, आप काफ़ी हैप्पी, आपको सुकून मिलेगा, ठीक है, जो आज बेचैनी है, बेकरारी है, जो परेशानी है, वो सब खत्म हो जाएगी, कम्प्लीशन फील करोगे, आपके पार्टनर के साथ आपका कम्प्लीशन हो सकता है, आपके लाइफ में आप कम्प्लीशन फील करोगे। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, और मैं मैसेज देखना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ, लव लाइफ को लेकर। ओके, कई लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हो आप, ठीक है, शायद आप ही को इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, हो सकता है कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गया है, या आप खुद थर्ड पार्टी में हो, ऐसे बंधन में बंधे हुए आप खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जहाँ पर आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, या ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपने खुद को बाउंड रखा है, खुद को जकड़ रखा है, आप परेशान हो, ठीक है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, टूट रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं सकता, इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो
बाहर निकलिए सिचुएशन से, चाहे जो भी कुछ आपको तकलीफ दे रही है, आपको हर्ट पहुंचा रही है, बाहर निकलिए इससे। हिम्मत जुटाइए, आप काफ़ी स्ट्रांग हो। जो आपने सोचा नहीं है ना वो होगा। आप हिम्मत के साथ आगे तो बढ़िए, खुद पर फोकस तो कीजिए, खुद को कहीं रुकने मत दीजिए, खुद की ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर। पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगी। खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए हर तरह से, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको रोक रहा है। आगे बढ़िए, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सब कुछ अपने आप ही अट्रैक्ट होगी आपसे, आप खुद अट्रैक्ट करोगे। एक बार आगे तो बढ़िए, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी साइंस आ चुका है यहाँ पर। 10-10 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11-11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 222-333 या 11-11 कुछ रिपीटेटिव नंबर आप देख रहे हो, 13-13। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।